स्टार्ट करूँ? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैं बंद कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो दोबारा से आप सभी का स्वागत है। देखिए आपको मेरे चेहरे पे मुस्कान तो दिखाई दे रही होगी ना, उसकी एक वजह है क्योंकि अब जो मेहमान से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ ये आम शख्सियत में तो बिल्कुल नहीं है। ये क्रिकेटर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ चिता कैम में जितनी इनकी पॉपुलैरिटी है, जितनी शोहरत इनको हासिल है, शायद ही किसी क्रिकेटर या किसी और महारत को हासिल हो। तो मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से करवाने जा रहा हूँ। हमारे साथ आज है रहीम, इनका स्वागत करते हैं। अरे यार, अच्छा रहीम भाई, सॉरी रहीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में वाई स्पोर्ट्स लाइव टॉक शो। कैसा लग रहा है रहीम भाई? आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही रहीम भाई। माइक बंद है, चेक करो। आपकी आवाज नहीं आ रही रहीम भाई, आप अपना ईयरफोन चेक कीजिए। शायद वॉल्यूम वगैरह का कोई इशू हो। अब वैसे भी आप मोबाइल शॉप में हैं, कोई भी दूसरा ईयरफोन इस्तेमाल कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलिए, आप बोलिए सर। मैं क्या बोलूं, अल्लाह ताला ने बनाया मुझे ऐसा कि मैं चिता कैम की क्रिकेट के लिए बहुत कुछ सोचता। मुझे ऐसा लगता है कि चिता कैम में क्रिकेट मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, इंडिया ही नहीं, सात समंदर पार में भी घुसता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो अभी मेरी तो एज हो गई 45, बट बच्चों को तैयार करके ऊपर लेवल पे लेके जाने की एक तमन्ना है मेरी। इंशाल्लाह सर, और शायद पूरा चिता कैम भी इसमें आपका साथ देगा। और जैसे आपने बताया कि 45 इयर्स आप लगते नहीं सर, आप माशाल्लाह 21 या 20 के आसपास के लगते हैं, तो ये मतलब इसका कोई राज है कि आपकी उम्र जो है बढ़ती नहीं नजर आती है? मैदान से जुड़े रहना ये खासियत है मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने के ऊपर बहुत ख्याल रखता हूँ। आप डाइट का बहुत ख्याल, माशाल्लाह काफी स्लिम भी है आप। मतलब हमने देखा है कि लोग उम्र के साथ साथ उनकी टमी आ जाती है, मतलब फैट बढ़ने लगता है, लेकिन आप में ऐसा कोई बदलाव हमने देखा नहीं। तो कोई स्पेसिफिक चीज जो आप डाइट में लेते हैं रहीम भाई? सुबह का नाश्ता जो है एकदम बहुत लाइट हो जाए, रात में चना भिगो के रखता हूँ, सुबह में वही खाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सूखा खजूर है वो खाता हूँ। बस ये दो चीजें मेरी सुबह की ब्रेकफास्ट। और आपकी वजह से सर चैनल का टीआरपी जो है ना वो इतना ऊपर चला गया है अचानक से, मैं सच बात आपको बता रहा हूँ। ट्रैफिकिंग जो है वो उसको आपने बढ़ाया है चैनल पे। और देखिए जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, रहीम भाई ने बताया कि रात को चना भिगो के रखना और सूखा खजूर खाना, इससे जो है आपका जो फिगर है वो मेंटेन रहता है, तो इस सलाह को ज़रूर फॉलो करें। तो रहीम भाई, जितना एक्सपीरियंस आप क्रिकेट का रखते हैं, आप आने वाली पीढ़ी को चिता कैम की क्रिकेट के ऊपर क्या सलाह देना चाहेंगे? आने वाले यंगस्टर्स को मैं एक ही बात बोलूंगा कि अपना टास्किंग और अपना लेवल खराब ना करें, दूसरा प्रैक्टिस बराबर करें, और खास करके तो एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें। अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको कोई भी कॉर्पोरेट लेवल पे आपके गेम के हिसाब से आपको चांस मिल सकता है, जॉब भी मिलेगी और खेल भी मिलेगी। माशाल्लाह, देखिए रहीम भाई ने, जी बोलिए। बोलिए रहीम भाई, बोलिए ना। जी देखिए, आपसे जैसे बात की अभी अभी रहीम भाई ने, के स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रहीम भाई, हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ तक पढ़े हैं सर? मैं 12th तक पढ़ा सर, मराठी मीडियम। मराठी मीडियम, अच्छा, इसीलिए आपकी मराठी इतनी ज्यादा अच्छी है। और रहीम सर, जैसे मैंने आपके डाइट के बारे में पूछा, माशाल्लाह वो आपकी सेहत है, मैं आपके आवाज़ की बुलंदगी जो है इसके बारे में भी जानना चाहूँगा सर। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आप करवाते हैं नेक का, या फिर कैसे आता है सर? ये आवाज़ का मोटिवेशन मेरे दादा की मेहरबानी है, क्योंकि मेरे दादा की आवाज़ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। इसी तरीके से मैं कि उनको मैं तो 3-4 साल का था, मैं दादा का इंतकाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह दादा की इंस्पिरेशन से मैं ये हूँ। अच्छा, तो ये मतलब जेनेटिक है आपकी, खानदानी, एक आपको खानदानी देन है कि आपकी आवाज़ ऐसी होती है। माशाल्लाह काफ़ी बुलंद है आपकी आवाज़। रहीम भाई, ये हमने सुना हुआ है, देखिए जितना मैं आपको जानता हूँ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप क्रिकेट में जितना एक्सपीरियंस, जितना नॉलेज रखते हैं, शायद इतना नॉलेज किसी और के पास हो, लेकिन हमने आपके बारे में सुना है सर, आप जिस भी क्रिकेटर के सर पे, या फिर किसी भी शख्स जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है उसके सर पे अगर हाथ रख देते हैं, वो अपने करियर में कहीं और निकल जाता है।
क्या सच बात है सर? ये तो अल्लाह का करम है और आप मेरे भाई लोग की दुआ है मेरे साथ में कि मैं तो इस काबिल हूँ नहीं, किसी की भी सर पे हाथ रखू तो ऊपर तक चले, वो उसकी मेहनत का नतीजा है। टास्किंग करता है और अपने आप को यानी कि उस तरीके से जिस तरीके से बताओ उस तरीके से खेलता है तो वो ऊपर जाता है, वो अपनी मेहनत के जरिए से ऊपर जाता है। मेरी कोई जात और मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उसको ऊपर देखूँ। क्या बात है, देखिए हमारे दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं। अब सर पे हाथ रख देने का मतलब ये है कि मतलब आशीर्वाद की ही बात नहीं होती, लेकिन जितनी आप एडवाइस देते हैं लोग ऐसा मानते हैं कि आपकी दी हुई सलाह, आपकी दी हुई नसीहत जो है वो बहुत काम आती है। ये तजुर्बा कहाँ से लाते हैं सर आप? सर एक्चुअली मैंने मेरा करियर अंधेरी में, मेरा बॉर्न आई एम बॉर्न फाइटर ऑफ अंधेरी, मैंने खेलना शुरू किया 1986-87 में। उस जमाने में सिल्वो का बैट एक आता था 280 रुपए का बैट आता था, उस बैट को खरीदने के लिए हम लोगों को कम से कम 2-2.5 महीने लगता था। और वो बैट मेरे बड़े अब्बा ने मुझे एक बार बैट दिलाया था, किया था सिल्वो का बैट, मैंने ऐसे खेलना स्टार्ट किया टेनिस बॉल से। उस जमाने में टेनिस बॉल की कीमत थी 12 रुपये। खेलते 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 एक दिन मेरे होम ग्राउंड के अंदर यानी कि दाऊदबाग ग्राउंड, अंधेरी दाऊदबाग ग्राउंड में बैचलर्स पूरी टीम आई हुई और उनके अगेंस्ट ही हमारा सेकेंड मैच था। अलहमदुल्ला उस जमाने में बॉलिंग करता था मैं तो वेरी वेल, फर्स्ट बॉल उमेश मांजरेकर को और संतनु गायचर को मेरे मेरे ओवर में शिकार बनाया, उसके बाद से उन लोगों ने मुझे यानी कि टीम में बुलाया खेलने के लिए। एटलीस्ट मैं लगभग 87-88 यानी कि 2 साल सिर्फ उनके साथ में प्रैक्टिस किया, चांस मिला नहीं। 89-90 में टूर्नामेंट हुआ था राजापुर रत्नागिरी में जो होता है, जो आप रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से मशहूर है, उस वक्त मुझे चांस मिला टीम में और अलहमदुल्ला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद से मैचलेस खेलना स्टार्ट हुआ, लगभग 10 साल खेला मैं मैचलेस में। उसके बाद में राहुल इलेवन में भी थोड़ा बहुत चांस मिला, 3-4 साल राहुल इलेवन में भी खेला चंद्राबाई की बदौलत। तो यानी कि मेरे दो मुंबई की दो बेहतरीन टीम राहुल और मैचलेस दोनों में खेला हूँ। रहीम भाई सॉरी सर, माफी चाहते हैं डिस्टर्बेंस के लिए, आप फ्रेम में खुद को बीच में एडजस्ट करेंगे प्लीज, क्योंकि ये शो जो है ना वो, हाँ जी ये ठीक है, हाँ जी बोलिए सर, आप बता रहे थे जो करियर स्टार्ट था राहुल और मैचलेस का, कहानी खत्म हुई। लेकिन एक तमन्ना थी हम लोगों की, खास करके मेरी, चीता केम रॉयल के नाम से एक टीम बने और पूरे बंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नाम गूंजे। इंशाल्लाह 3-4 साल हमारी टीम चली और अभी भी चल रही है अलहमदुल्ला। मैं तो यही दुआ करूंगा कि मेरे भाई लोग जो खेल रहे, जैसे कि वन एंड ओनली अब्दुल गनी, मोहम्मद यूसुफ, राखे अली, इमरान भाई, इन लोगों से मेरी मौत, खास करके प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट है मोहम्मद रफीक साहब, मेरे बहुत हस्ती दोस्त हैं और लाइफ टाइम मेरा यानी कि एकदम मोस्ट फेवरेट प्लेयर रहेगा मोहम्मद रफीक जी, क्योंकि उसने बहुत बच्चों को, बहुत बच्चों को चांस दिया खेलने के लिए, लड़कों को ऊपर लाया टास्किंग करके। तो मैं चाहूंगा अल्लाह ताला ऐसे ही रखे हम लोगों को और आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि अपने आप को तैयार करें और ताकि उनका नाम रोशन। अब रफीक सर एक छोटा सा गेम इसे मान लीजिए, मैं 3 प्लेयर्स के नाम आपके सामने लूंगा, आपने बताना है कि उस प्लेयर को ऐसे क्या अपने गेम में बदलाव लाना चाहिए जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सके, ठीक है? तो इस श्रेणी में पहला नाम है अजहर शरीफ, आपके हिसाब से अजहर शरीफ को अपनी परफॉर्मेंस में क्या बदलाव लाना चाहिए? क्या बोले सर? आपके हिसाब से मैं 3 प्लेयर्स के नाम लूंगा, आपने बताना है कि इन प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस लाने हैं ताकि इनका परफॉर्मेंस बेटर हो। इसमें पहला नाम है अजहर शरीफ का। अजहर शरीफ वेरी गुड बैट्समैन बट वो ताकत बहुत है उसके पास, सिर्फ दिमाग नहीं है। अगर वो अगर अपने दिमाग से खेले तो वो बहुत ऊपर तक जाए। जी ये तो रही अजहर शरीफ की बात। दूसरा प्लेयर सर फरहान, आप फरहान के लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे? दूसरा कौन है? फरहान के पास वेरिएशन बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह और उसने टैलेंट किया है, तो वो अपनी बॉलिंग के ऊपर मुंबई के जितने भी जगत बैट्समैन हम लोगों को नचा सकता है, बॉल पिच कराना सीखे और जो लेग ब्रेक नेचुरल है, मिडिल स्टंप से करता है, लेग स्टंप के बाहर से अगर करेगा तो और अच्छा है। फरहान के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए रहीम सर ने खुद आपकी तारीफ की है फरहान के, आप मुंबई में दिग्गज बल्लेबाजों को भी गेंदबाजी कर सकते हैं। सर आखिरी नाम है सोहेल का गोलू, जो इस वक्त कुवैत में है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को नशे से दूर रखें, स्पोर्ट्स में स्पिरिट का जहाँ तक ख्याल है, रोज उठे सुबह जल्दी, वार्मअप करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें और टास्किंग करें कि अच्छी और बड़ी टीम में खेलने का हम लोगों को चांस। आपकी नजर में आज के वक्त में चिता के में एक बड़ा बल्लेबाज और एक बड़ा गेंदबाज रहीम सर, क्या बोल रहे? आपकी नजर में आज के वक्त में चिता गेम का एक बड़ा बल्लेबाज और एक बड़ा गेंदबाज? मेरे हिसाब से तो सब अच्छा ही है, कोई खराब नहीं। एक नाम तो लेना ही होगा सर, मैं तो अपने आप को बोलना चाहूंगा, बड़ा बल्लेबाज आप अपने आप को मानते हैं? मैं खुद हूँ। बल्लेबाज यस। नहीं, आप अपने आप को गेंदबाज मानते हैं या बल्लेबाज मानते हैं सर? बैट्समैन तो मेरे हिसाब से एक ही बैट्समैन मैं बोलूंगा, मोहम्मद यूसुफ ताकि, कि वो चिता के अंदर एक ऐसा मोस्टली डेंजर बैट्समैन है कि विदाउट प्रैक्टिस पिच पर उतरना और चौके छक्के लगाना, ये उसके अंदर वो काबिलियत है। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मतलब बेशक यूसुफ एक बहुत ही बड़े दर्जे के बल्लेबाज है, तो आप गेंदबाज जो इस वक्त सबसे बड़ा चितक है में वो अपने आप को मानते हैं आप? बॉलर बॉलर मेरे हिसाब से आज की तारीख में चार बॉलर है, एक चारों एक का का नाम कंपैरिजन लीजिए। नहीं, एक तो नहीं है, चारों कंपैरिजन बराबर है, टफ फाइट, एक जी से बताइए। बढ़कर एक, चारों के चार, रफीक, मलिंगा जी, बिलाल जी हुसैन जी, और सोहेल का, सोहेल, ये चार बॉल। अच्छा, रफीक, बिलाल, चारों हुसैन का और कोई जोड़ सोहेल, नहीं है और कोई जोड़ नहीं, और इन इन चारों चारों का के कोई जोड़ नहीं और जोड़ नहीं। क्या बात है सर, बेशक मतलब बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन गेंदबाज तो देखिए गेंदबाज होता है, कोई खेल अच्छा होता है कोई खेल खराब होता है उनका। इन चारों के करियर में या फिर इनकी गेंदबाजी में आपका क्या सपोर्ट या योगदान रहा है सर? इसकी गेंदबाज आपने उनको फिरकी के ऊपर टिप्स दिए? फिरकी की टिप तो ऐसा है कि बॉल का टप्पा लगना, बॉल का जो टप्पा होता है पिच कराना, पिच अगर आप जहां कराओगे और आपके ऊपर डिपेंड है कि बॉल को किस तरफ घुमाना, और बैटिंग की अगर कमजोरी पता है तो आप उसको बराबर जगह पर रखो। क्या बात है सर, ये एडवाइस मैं सारे खुद प्लेयर्स याद रखेंगे और अपनी बॉलिंग में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। रफीक सर, सॉरी रहीम सर, एक बहुत ही जरूरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरे साथ काफी लोगों का सवाल है। ऐसे हमारे पास उड़ती हुई खबर आई है कि रहीम सर जो है 40+ की एक बहुत ही बेहतरीन टीम बना रहे हैं, क्या आप हमें इन प्लेइंग 11 के नाम बताएंगे? जी हाँ, जरूर बना रहा हूँ। जी, आप प्लेइंग 11 के नाम बताएंगे सर? सिर्फ तीन प्लेयर जो है चीता गेम के, बाकी पूरे बाहर। अच्छा, तो तीन प्लेयर आपके अलावा या आपको मिलाकर तीन प्लेयर? मेरे को मिला के तीन प्लेयर। तो वो चलिए आप एक हो गए, आप दो का नाम बताना आप चाहेंगे सर? अली और मोइन भाई। अच्छा, मोइन भाई भी, माशाल्लाह आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं साथ में सर, और ये एक्सपीरियंस आपको काम भी ज़रूर आया, हम इसकी मनोकामना करेंगे। रहीम सर, आपके हिसाब से कोई एक बेस्ट एक्सपीरियंस आपके क्रिकेट का? बेस्ट एक्सपीरियंस तो हाँ, मुझे याद है अभी भी कि हम लोगों को जब मैचेस जब खेलता था उस जमाने में, एक बॉल 5 रन की जरूरत थी, मैं नॉन स्ट्राइक पर एंड पर था और मेरे साथ में स्ट्राइक पर अविनाश जाधव, मोस्ट लेजेंड और डेंजर बैट्समैन ऑफ चेंबूर, और अफजल भाई, डिंग डोंग वाले अफजल भाई जो आज मेंटोर है, उनका दौर उस जमाने में, उनका दौर बहुत डेंजर था, उस जमाने में उनको मारना बहुत मुश्किल था, एक बॉल 5 रन यानी उसको मारना पड़े तो लोखंड का छना छपाने जैसा था। उस दौर में भिवंडी जैसी सरजमी पर अभिनव जाधव ने वो कारनामा कर दिखाया। तो बहुत बहुत अभिनव शुक्रिया जाधव रहीम ने सर। मुझे अभिनव जाधव ने मुझे आकर के बोला कि बोले रहीम, ये भागना स्टार्ट कर जाए तो कितना बोलना कि दादा रेडी रहे, वो शॉट डालेगा, शॉट डालेगा, लेकिन वो शॉट डालेगा नहीं, वो अंदर ही डालेगा और मैं उसको बाहर मारूंगा। और वही हुआ कि अभिनव जाधव ने मुझे बोला और मैंने बोलना स्टार्ट, जब अफजल भाई रनअप स्टार्ट किया और मैंने बोलना स्टार्ट किया, दादा रेडी रहे शॉट डालेगा, दादा रेडी रहे शॉट डालेगा, लेकिन उसने अंदर डाला और अभिनव जाधव ने ऑफ साइड वाइड का बॉल उठा के मिडिल विकेट पर छेद, क्या बात है, तो वहाँ हम लोगों ने, हाँ वहाँ हम लोग मैच जीते। तो ये आपका सबसे स्पेशल मोमेंट था आपकी लाइफ का? यस
जी तो रहीम सर, देखिए आप एक क्रिकेटर के साथ साथ आप एक कमेंटेटर भी है, तो सर एक चीज़, ये मेरा सवाल था, लोगों का सवाल नहीं था। आप एक, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे क्रिकेटर्स को नाम भी आपने दिया है, जैसे हम गनी सर की बात करें तो रनों के धनी, हम रफीक की बात करें रफीक मलिंगा, ये एक जो वाइब्रेशन आपकी वॉइस में आती है सर अचानक से, ये वाइब्रेशन क्या आप इसकी प्रैक्टिस करके आते हैं या फिर उस ऑन द स्पॉट निकल जाता है? ये अल्लाह ताला की देन है, ये टास्किंग करते करते वो अचानक में भयानक जबान पे आ ही जाता तो ये जो वाइब्रेशन, ये कहाँ से आता है सर, जो अचानक से चेंज हो जाती है वॉइस, ये कहाँ से लाते हैं सर? है। ये परफॉर्मेंस कैसा है पता है मालूम इरफान भाई, कि मैं लड़कों को देखता हूँ, एक से दो टूर्नामेंट में देखता हूँ लड़कों को, क्या वो क्या कर रहा है, उसके लिए कौन सा लकब अच्छा रहेगा, वो लकब मैं बना के रखता हूँ और उसको मोस्टली दो टूर्नामेंट देखने जाता हूँ, तीसरे टूर्नामेंट में उसको मैं लकब दे देता हूँ। और आप क्योंकि आप एक बहुत ही मतलब माहिर कमेंटेटर भी है, तो आप मुझे क्या सलाह देना चाहेंगे सर? सर आप मेरे से अच्छा आप बोल, मोस्ट वॉइस ऑफ चिता के। सर थैंक यू सर, सलाह दीजिए सर। मैं मतलब मुझे भी देखिए है कि मैं भी अपनी जो कमेंट्री है उसमें बेटर करूँ आगे और अपना परफॉर्मेंस जो है उसको इंक्रीज करूँ, तो बात आपके सलाह हिसाब से। की इरफान भाई, स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप कौन से स्टेज पे बैठे हो और आपको किसकी बारे में बोलना है, बस इतना ही आप ये करिए। अच्छा जी, ठीक है, इस पे ज़रूर मैं काम करूंगा रहीम सर, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना फीडबैक देने के। देखिए अब वाई स्पोर्ट्स पर आते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म वाई स्पोर्ट्स ने दिया चिताकेम के प्लेयर्स को, जिनमें आप भी शामिल है, जहां पे प्लेयर्स अपने बारे में लाइव लोगों को बता सकते हैं, दर्शकों को बता सकते हैं, एक मैसेज जो है उसको पास ऑन कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर, ये कितना ज़रूरी था? ये आपने बहुत अच्छा काम किया और खास करके मैं दिल से दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला वाई स्पोर्ट्स को ऊपर और कामयाबी दे। साउथ जगह, साउथ वाले जगह पर मैं जब देखता हूँ ना, जो लाइव चलता है रेड बॉल में, येलो बॉल में, विक्की बॉल में, तो उसकी जो कैमरे की जो क्लियरिटी है लाजवाब, 70-70 और मयूर को भी इसके पीछे छोड़ा है, उस पट्टे में 70-70 और मयूर का नाम नहीं है साउथ साउथ में। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर भी आए, बॉम्बे के अंदर भी अल्लाह ताला इनको नाम दे और अच्छी कमाई दे। लेकिन अगर इसके अंदर कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब ये है कि आपको रेट कंज्यूमिंग करना होगा, अगर आप उस पर कंज्यूमिंग करते हो तो आपके पास कस्टमर बढ़ेगा और सब्सक्राइबर आपके बढ़ेगा, तो मेरा सजेशन है। बाय। तो बहुत बहुत शुक्रिया रहीम सर, ये देखिए चैनल की तरफ से है इरफान जो है वाई स्पोर्ट्स, उन्होंने आपको अप्रोच किया होगा इस टॉक शो के लिए, इनकी मेहनत है इसमें, इस टॉक शो को रखने में, सो आप किस तरीके से इसको उसका थैंक्स कहना चाहेंगे? मैं तो थैंक्स नहीं कहूंगा, मैं दुआ दूंगा और खास करके इरफान को, इरफान को अल्लाह ताला अच्छा रखे, कहते तंदुरुस्ती अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए, साथ साथ जो उसकी दिली तमन्ना है वो भी पूरी करे और कमाई के अंदर बरकत। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम सर, देखिए आपके मतलब लबों से कोई अल्फाज आना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है रहीम सर। हर किसी ने यहाँ पे एक ना एक एडवाइस आने वाले यंगस्टर्स को दी है, आपकी जो एडवाइस है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है सर, तो मैं चाहूँगा कि एक मैसेज आप चिताकैम के यंगस्टर्स को दें। मैं तो चिटागन के नौजवान के और स्पोर्ट्स फैंस के लिए यही एडवाइस दूंगा कि सुबह जल्दी उठे, बॉडी वार्म अप करे, नशे से दूर रहे और प्रैक्टिस करे, खास करके एजुकेशन, खास कर एजुकेशन पे ध्यान दे, अच्छी पढ़ाई करे और अपने घर वालों को समझे, यही बहुत बहुत एडवाइस शुक्रिया देना सर। और रहीम सर देखिए वाई स्पोर्ट्स जो है वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज भी करेगा चिताकेम में, अब आप लोगों का साथ भी मिल चुका है। अब वाई स्पोर्ट्स जो है सर, आपने अगर वाई स्पोर्ट्स का कभी टेलीकास्ट देखा होगा, आपको कोई फर्क नजर आता है दूसरे चैनल्स और वाई स्पोर्ट्स पर टेलीकास्ट किए गए स्पोर्ट्स में? लेंस का जमीन आसमान का फर्क है वाई स्पोर्ट्स मयूर और 70-70। क्या बात है सर, इनके पास मेरे ख्याल से शायद 164 या 168 एमबी का लेंस है इनके पास वाई स्पोर्ट्स। जी, मुझे जहां तक आपको पता है, आज से 2 साल पहले बेंगलोर में एक टूर्नामेंट हुई थी, 3 साल पहले बहुत बड़ी टूर्नामेंट थी, वो इन लोगों का कैमरा लगा हुआ था, 6-8 कैमरे लगे थे कुछ दिन, संगम प्रीमियर लीग, जी SPL संगम प्रीमियर लीग में इनके कैमरे यूज हुए थे, बट नाम वाई स्पोर्ट्स का नहीं दिया गया था, नाम 70-70 का दिया गया उस टूर्नामेंट, और कैमरे इनके लगे हुए।
माशाल्लाह आप नॉलेज देखिए कितनी रखते हैं सर, आपको क्रिकेट के साथ साथ कैमरा फ्रेम्स एंड इन चीज़ों की भी नॉलेज है। तो रहीम सर देखिए ये चीज़ बहुत लोगों ने नोटिस की है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है खास करके मोहम्मद हारून मेमोरियल, मोहम्मद हारून संजय मेमोरियल ट्रॉफी माफ़ कीजिएगा, आप सेलिब्रिटीज़ के टच में कैसे रहते हैं सर? हमने देखा है काफ़ी मेहमानों को आप ही बुलाते हैं, जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो गए या फिर कोई फिल्म स्टार्स हो गए। ये सेलिब्रिटीज का ऐसा है कि मैं अगर किसी को अगर फोन करूं, वो अल्लाह ताला की देन है, मैं अगर किसी को फोन करूं और ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात है सर, ये टच आपने कैसे बनाया सर? सर 45 एज हो गई, मैं चिता गेम में कम और बाहर ज्यादा रहता हूँ, तो अलहमदुल्ला खेलते हुए और जो मेरा जो प्रोफेशन है बिल्डर लॉबी के अंदर मैं यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ ज्यादा जुड़ा हुआ, तो लोग मुझे उस तरीके से जानते हैं। अब आपके एक और प्रोफेशन पे आते हैं सर, आप बैट्स भी बनाते हैं और भी क्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स शायद आप मैन्युफैक्चर भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, आप डीलर भी है, तो सर ऐसा कोई आने वाला बैट है जिसे आप आज इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि मैं ऐसा बैट लाने जा रहा हूँ, शायद वो पास्ट में कभी ना आया हूँ? बैट बैट का ऐसा है कि लकड़ी एक ही होती है, बैट का ऐसा है कि लकड़ी एक ही होती है, सिर्फ स्टिकर का डिफरेंस है। अगर लोग अपना डिफरेंस अगर स्टिकर का डिफरेंस अगर दिमाग से निकाल दें, ये डबल ए का बैट है, संस्कार का बैट है, चैंपियन का बैट है, लकड़ी एक ही है मोस्टली, खेलना आना चाहिए और बैट को यूज करना आना, तो आप और कोई कुछ नहीं। नया बैट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो सरप्राइजिंग होगा लोगों के लिए? नया कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला मैं तो एक बैट उतारूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि तो मार्केट में ट्रिपल बैट चल रहा है, मैं चौबल ब्लेड उतारने वाला हूँ, यानी कि बाप बोलते हैं बैट को, बाप वजन भी बैट काफी चला होगा गला बैट बारिश का। सितंबर सितंबर में उतारने वाला, और वो मेरे को एक प्लेयर्स को देना है, यानी कि यंगस्टर है, आने वाला यंगस्टर है, उभरता हुआ खिलाड़ी जो 20 टांक में खेलता है पूरे चिता के में, और उसका बर्थडे बर्थडे हुआ है हाल ही में, तो मैं वो बैट गिफ्ट देने वाला। माशाल्लाह, तो आप लोगों ने सुना रहीम सर सितंबर में एक नया बैट लॉन्च करने वाले हैं जिसे कहा जाता है फोर ब्लेड बैट। मेरा ख्याल है कि आज तक सिर्फ थ्री ब्लेड बैट आए हैं, आज रहीम सर ने अनाउंस किया कि वो एक नया बैट आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और वो एक खास मेहमान को देने वाले हैं जिनका बर्थडे है शायद सेप्टेम्बर में, और इसके साथ साथ उनका प्रमोशन भी हो जाएगा। तो रहीम सर मैं चाहता हूँ कि अब तक देखिए जितना भी इंटरव्यू हुआ मैंने एंड किया, एक प्रॉपर एंड दिया मैंने उन शोज को जो भी मैंने क्रिकेटिंग स्टार से बात की, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो शो है इसकी एंड आप करें सर एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ, मैं चाहता हूं ताकि इससे मुझे आपसे थोड़ा कुछ सीखने को मिले। जजाक अल्लाह इरफान भाई, आपका आपके शो में मुझे बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला वाइस स्पोर्ट्स को कामयाबी अता फरमाए और जो वाइस स्पोर्ट्स के जो ऑनर है उनकी जो दिली तमन्ना है पूरी अता फरमाए, तरीके से मैं अपना इंटरव्यू खत्म करता हूँ, जजाक अल्लाह खैर, अस्सलाम। थैंक यू सो मच रफी रहीम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। वाई स्पोर्ट्स को आपने अब तक सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, आपने देखा कितना ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी शामिल था इस वाले एपिसोड में। हम आपसे मिलेंगे दोबारा से वाई स्पोर्ट्स पर इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय चिता कैम, जय रहीम भाई, थैंक्स अ लॉट।